हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हुए हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा होता है, मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को अगर आपने पढ़ लिया है तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक है, मतलब कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के रिगार्डिंग आपको इसमें से नॉट करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, जो कि नीट 2022 में पूछा गया था। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन बाय द यूजिंग एथेरिडियम ब्रोमाइड, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है। दूसरा ऑप्शन है, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर, तो यहाँ पे ब्लू कलर नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए था, ऑरेंज कलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसीलिए ये सही हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, बाकी फिर है यहाँ पे ब्राइट ऑरेंज कलर, तो मैंने अभी बताया ही कि ऑरेंज कलर होना चाहिए, तो ये तो सही ऑप्शन है। और तीसरा है, चौथा है, द प्रोसेसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड द एल्यूशंस, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी। आगे नाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, इन दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं जिसके इंटरनली आपको बताना है कि पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड विच वन वी कट इजली टू द पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो कि कटआउट है उसको चूज करना है। ठीक है, जो कि नीट 2022 में पूछा गया है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, 5-GAA-TTC एंड 3-, ठीक है, उसके बाद 3-C, मतलब सी, फिर TT, TT, AA, AA और G का G, और फिर 5-का 5-, मतलब बिल्कुल ही कटआउट जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे CT, CTT से तो स्टार्ट ही नहीं होता, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। फिर यहाँ पे GTA, तो ये गलत हो गया, GAA-TTC के रूप में होना चाहिए था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, मतलब कि दो स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है, जो कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकेंड में है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज, अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन फिर आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नीट 2022 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर डिजायरेबल फीचर्स ऑफ कॉलोनी वेक्टर, मतलब कि कॉलोनी वेक्टर के डिजायरेबल फीचर्स इनमें से कौन से नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, तो मार्कर जीन, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है। अगेन प्रेजेंस ऑफ जीन रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस साइट, दिस इज आल्सो करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक रिकॉग्नाइजेशन साइट प्रेजेंस नहीं होते, एब्सेंस होते, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया और हमें चूज़ क्या करना है, नॉट डिजायरेबल, मतलब कि कौन से नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्लाज्मिड PVR-322 हैज़ PST1 एंड रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस साइट विद इन जीन एम्पलीफायर एंड दैट कॉनिफोर एम्पलीसिन रेसिस्टेंस इन दिस एंजाइम इज यूज फॉर इंसर्टिंग अ जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइट प्रोडक्शन एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन द इकोलाई स्ट्रेन, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पलीसिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल, द राइट आंसर इज ए। ठीक है, जो कि नीट 2021 में पूछा गया है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2021 का ही है यहाँ पे क्वेश्चन, और बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, जब अभी हमने पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे क्वेश्चन किया ही था, यहाँ पे उसी चीज़ को ना रिप्रेजेंट कर दिया गया है लैंग्वेज के रूप में, अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई द इंडो न्यूक्लियस टू मेक कट द स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन द डीएनए, दिस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको मैचिंग करना है। अब मैचिंग में क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है
बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स का राइट आंसर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो द राइट आंसर इज टू। अगेन फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, मतलब डीएनए फ्रैगमेंट के सेपरेशन होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका वन हो जाएगा। अगेन फिर पीसीआर, तो पीसीआर को हम यहाँ फोर से मिला देंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। एंड फिर एलाइजा टेक्निक जो होता है वहाँ पे डिटेक्शन होता है किसी भी पैथोजन का, जो भी पैथोजन हमें हो रहे हैं उसके डिटेक्शन के लिए एलाइजा का टेक्निक यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 2, 1, 4 and 3 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2, 1, 4 and 3, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस दैट अवे कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, द राइट आंसर इज हिंड सेकेंड, ठीक है। ये जो है यही होता है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का नाम क्या है, तो हिंड सेकेंड है, जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये नीट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि करेक्ट पेयर को चूज़ करना है, जैसे कि नीट 2020 में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलीमरेज मतलब कि ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट, तो ये जो है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगेन न्यूक्लियस जो होते हैं सेपरेटेड टू मतलब ए स्ट्रैंड फ्रॉम द डीएनए, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, डीएनए की जगह आरएनए होना चाहिए था। और तीसरा है एक्सो न्यूक्लियस, तो एक्सो न्यूक्लियस में क्या लिखा हुआ है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन डीएनए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि स्पेसिफिक पोजीशंस पे जब डीएनए को कट किया जाता है तो उस प्रोसेस को एक्सोन्यूक्लियस प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है किसके लिए, विद इन रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन इन एग्जाम, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है डी कट द स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय द यूजिंग डीएनए लाइगेज, तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट कही जा रही है, क्योंकि स्टिकी एंड जो होते हैं वो डीएनए लाइगेज से ज्वाइन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नीट 2019 में पूछा गया था, ए सेलेक्टेबल मार्कर इज़ यूज टू, मतलब कि जो सेलेक्टेबल एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझिए कि चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी एनसीईआरटी के लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ए सेलेक्टेबल मार्कर इज़ यूज टू, मतलब कि सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन वन कही जा रही है, हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी द रीजनरेटेड, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगेन फिर देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, द टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर PBR322R4, ठीक है। तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है वो कौन से है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस, तो मैचिंग करने का एक तरीका होता है, जैसे रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस का यहाँ पे अब हम खोजेंगे कि इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइज रहेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के माध्यम से यहाँ पे डीएनए को कट किया जाता है एक स्पेसिफिक पोजिशंस पे, बीच से कट करेंगे, यहाँ पे कोने से कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लियस, अब एक्सो न्यूक्लियस कहने का मतलब होता है कि बाहरी तरीके से कट करना, तो रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, मतलब डीएनए के एंड से कट करना है, तो यहाँ पे 4 हो गया। अगेन डीएनए लाइगेज, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे जॉइंट द डीएनए फ्रैगमेंट हो गया। और फिर टैग पॉलीमरेज, तो टैग पॉलीमरेज का आपको पता ही है कि एक्सटेंड पॉलीमर्स होते हैं, या फिर इसी को जीनोम डीएनए टेम्पलेट बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर 3, 4, 1 and 2 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ए इज यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा गया, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिजायरेबल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, तो नीट 2019 में ये पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्टली यहाँ लिखा है द एंजाइम बाइंड डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन, नहीं यहाँ ओनली वन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब भी कट किया जाएगा तो कहीं से भी कट कर सकते हैं दोनों साइड से, मतलब कि बोथ होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये जो होगा वही इनकरेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर से यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट लिखे हुए हैं।
अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ जीन डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर रेट्रोवायरस हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए जीन हुज एक्सप्रेशंस हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर का ही ये डिफिनेशन लिखा हुआ है जो कि एनसीईआरटी के लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन ग्रॉस जेल, मतलब कि एग्रोस जेल, कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ।